बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत है। शुक्रिया जी जी, मैं हाजिर करता हूँ, मैं हाजिर करता हूँ। थोड़ा सा आप सबकी भी शिरकत है कि अपने सभी प्यादों के नाम बदल डालो। ये नदीम की तरफ से है। अच्छा उधर भी देख लूं जी, मैं कोशिश करता हूं कि मैं आपकी तरफ भी देख पा रहा हूं। कि अपने सभी प्यादों के नाम बदल डालो, तारीखी यादों के नाम बदल डालो। गजनफर साहब, हुकूमत बदली, निजाम बदला, तो मुझसे कहा गया कि इमरान साहब अब अपना लहजा नरम कर लीजिए, अपने तेवर ढीले कर लीजिए। फिर अवार्ड मिला तो मुझसे कहा गया कि इमरान साहब अब तो आपके कंधों पर यश भारती का बोझ है, अब तो अपने तेवर और नरम कर लीजिए। तब मैंने आप सबकी दुआओं के भरोसे कहा था कि जो कहते हैं इस आंधी में पर ना तोला जाएगा, जो कहते हैं इस आंधी में पर ना तोला जाएगा, जो इस बात पे खुश हैं हमसे लब ना खोला जाएगा। उनसे कहो हम तूफानों से डरने वाले लोग नहीं, कातिल को मरते दम तक कातिल ही बोला जाएगा, कातिल को मरते दम तक कातिल ही बोला जाएगा। आपकी दुआओं के भरोसे, आपकी मोहब्बतों के भरोसे पढ़ता हूँ साहब। सब कहते हैं कि डरा करो, परेशान हो जाओगे, तब मैं कहता हूँ कि नहीं साहब, मेरे लिए हिंदुस्तान की न जाने कितनी माएँ दुआएं करती हैं, कितने मेरे भाई दुआएं करते हैं, और ये जब दुआएं किसी के सर पे हों तो उसका कोई क्या बिगाड़ सकता है। मैं पढ़ता हूँ साहब, के अपने सभी प्यादों के नाम बदल डालो, तारीखी यादों के नाम बदल डालो, अकबर रोड का नाम बदलने से पहले अपने दामादों के नाम बदल डालो, अपने दामादों के नाम बदल डालो। बहुत शुक्रिया। चार मिसरे और पढ़ता हूँ। बिहार के बहुत सारे लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, मैं सलाम करूँगा बिहार को, खुसूसी तौर पर सलाम करूँगा कि आपने बिहार में नफरत वाली ताकतों को वापस भेज करके हमारे उत्तर प्रदेश को जलने से बचाया है साहब, मैं सलाम करूंगा। अब हम उत्तर प्रदेश वालों की जिम्मेदारियां बहुत बड़ी हैं, दुआ करिए कि हम अपनी जिम्मेदारियां निभा सकें। वो जो नफरतों का एक गुब्बारा उड़ रहा है जिसमें आपने पंचर लगाया है, दुआ करिए कि हम उसे पूरी तरह पिचका करके वापस भेज सकें, इंशाल्लाह ऐसा होगा भी। मैं चार मिसरे पढ़ रहा हूँ साहब, 2014 और 2016 इमरान के मिसरे, मजा आए तो उस मजे को तब्दील करिएगा तालियों में। पढ़ता हूँ साहब, के चाय चाय करते थे, गाय गाय करते हैं। अच्छा जैसे ही चाय का जिक्र हुआ साहब, चाय भी आ गई है माशाल्लाह। आइए, बहुत शुक्रिया, चाय हाजिर हुई है। और नहीं नहीं, चाय वालों को बड़ी इज्जत की नज़र से देखा करिए, कब कौन प्रधानमंत्री हो जाएगा भरोसा नहीं होता, इसमें बड़ी खलूस से, बड़ी मोहब्बत से, इज्जत से पेश आया करिए, इनकी मोहब्बत को सलाम। और जल्दी से ये सिलसिला ख़त्म किया जाए, क्योंकि हम उत्तर प्रदेश के लोग हैं, खुद भूखे हों तो जल्दी किसी को खाते पीते नहीं देख पाते हैं साहब, भूखे ना हों तब भी नहीं देख पाते, हमारी बनावट ही ऐसी है। मैं पढ़ता हूँ साहब, अच्छा उन्हें भी चाय पिलाई जाए क्योंकि उन्हें बहुत शोर मचाना है, उन्हें बहुत कुछ बोलना है, बहुत कमाल के आदमी है, बहुत कमाल के आदमी है। पिछले दिनों मेरे साथ ट्रेन में सफ़र कर रहे थे हैदराबाद से, वो और हम, नीचे तीन खूबसूरत लड़कियां सफ़र कर रही थी, लड़कियों से आपस में जैसे बातचीत होती है, लड़कियों की एक कॉमन बातचीत है, बातचीत शुरू हुई, एक लड़की ने कहा शादी कब कर रही हो, बोली तलाश रही हूँ मिल जाए तो कर लूँ, बोले कैसा शौहर चाहिए, बोले करोड़पति चाहिए, बोले करोड़पति नहीं मिला तब क्या करोगी, उसने कहा 50-50 लाख के दो कर लूंगी, बोले 50-50 लाख के दो नहीं मिले तो क्या करोगी, बोली 25-25 लाख के चार कर लूंगी, उसने फिर कहा अगर 25-25 लाख के चार नहीं मिले तो क्या करोगी, उसने कहा कोई बात नहीं 10-10 लाख के 10 कर लूंगी,
भाई ऊपर वाली सीट पे थे, एक बार भी नीचे कूदे, उन्होंने कहा बहन जी जब ये रेट 1000 तक आ जाए तो मुझे भी खबर कर दीजिएगा, मैं भी लिस्ट में। सलाम करूँगा उनकी मोहब्बत को, उनकी मौजूदगी को। यकीनन मुशायरे का वो बहुत खूबसूरत लम्हा है, एक बार उनके लिए ज़ोरदार ताली बजनी चाहिए उनकी मौजूदगी के लिए। मैं पढ़ता हूँ साहब। अच्छा, इस उम्र में भी फैसला सर आँखों पर, देख लीजिए। इससे पता चलता है साहब कि दवा एक्सपायर हो जाए तो क्या हुआ, उसमें थोड़ा बहुत असर को बचा ही रहता। मैं सलाम करूँगा उन्हें। मैं पढ़ता हूँ, बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप, बहुत मूड में हैं आप। मैं कोशिश करता हूँ फिर से आपको जोड़ने की। के चाय चाय करते थे, गाय गाय करते हैं, चाय चाय करते थे, चाय चाय करते थे, गाय गाय करते हैं, जागे हैं दलित जब से, हाय हाय करते हैं, जागे हैं दलित जब से, हाय हाय करते हैं, चाय चाय करते थे, गाय गाय करते हैं, जागे हैं दलित जब से। और 3 साल बाकी है, आने दो जरा 19। एक शायर की जुबान अल्लाह पता नहीं कब कबूल करे, बहुत मुकद्दस सरजमीन पर खड़ा हूं, जरूर कबूल करेगा। मैं पढ़ता हूं साहब। के 3 साल बाकी है, आने दो जरा 19, 3 साल बाकी है, 3 साल बाकी है, आने दो जरा 19, दिल्ली भी ये कह देगी बाय बाय करते हैं, दिल्ली भी ये कह देगी बाय बाय करते हैं, चाय चाय करते थे, गाय गाय करते हैं। बहुत शुक्रिया मुर्शिद साहब का, बहुत शुक्रिया, बहुत तारीफें इनकी हिंदुस्तान रह के भी सुनने को आती हैं। नौशाद आलम साहब, जुगनू भाई तो मौदाह वाले मौजूद ही हैं, मौदाह के बहुत सारे लोग भी बैठे हैं, उनकी मोहब्बतों को भी सलाम करता हूँ। 15 नवंबर को मौदाह के मुशायरे में जाना भी है। अख्तर साहब को, इन सब को सलाम करता हूँ। 4 मिसरे और पढ़ता हूँ, आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं, और कोशिश करता हूँ कि थोड़ा सा आप और जुड़ सकें, आपके एहसास तक और पहुँचा जा सके। मैं 4 मिसरे पढ़ रहा हूँ, उसके बाद इंशाल्लाह एक नज़्म सुनाता हूँ, बिल्कुल नई सी, बिल्कुल ताज़ा ताज़ा सी नज़्म इंशाल्लाह आपको सुनाता हूँ। मैं, आपको याद होगा ना, पिछले, मेरा ख्याल है कि जब से मीडिया, हिंदुस्तान की मीडिया आई है नक्शे पर, लोगों के आंखों के सामने आई है, मेरा ख्याल है कि एलो जर्नलिज्म, पीक पत्रकारिता इतना कभी भी हावी नहीं रही है। जो एक दायरा था वो सारे दायरे खत्म हो गए हैं साहब, हवा बनाई जा रही है। भाई साहब बच्चे को वापस लेके जा रहे हैं, जल्दी ही लौट के आएंगे। भाभी ने इनको ज़बरदस्ती वापस भेजा था कि आप जाइए बच्चा संभालिए। अच्छा, बच्चे भी आज के गजलपुर साहब ऐसे हो गए हैं ना कि बड़े, मतलब बहुत छोटे छोटे बच्चे इतने समझदार हैं। वो पिछले दिनों एक बच्चे के टीचर ने बाप को फ़ोन किया, उस बच्चे के बाप को, बोला आपका बच्चा बहुत शैतान है, ऐसी बदमाशियाँ करता है कि क्या बताऊँ। तो बाप ने कहा क्या हुआ, बोले ऐसी तस्वीर बनाता है, ऐसी पेंटिंग बनाता है कि सच्ची सी लगती है। आज इसने जमीन पर 100 का नोट बना दिया, पेंटिंग उसकी, और उसे उठाने में मेरे नाखून टूट गए, बहुत बदमाश है। तो बाप ने कहा आपके तो सिर्फ नाखून टूटे, मैं तो ICU में भर्ती हूं।
तो टीचर ने कहा क्यों क्या हो गया, बोले आज इसने बिजली के सॉकेट पे कैटरीना कैफ की तस्वीर बना दी, चूमने के चक्कर में आईसीयू में भर्ती होना पड़ा। तो ये बच्चे इतने बदमाश हो गए हैं साहब कि इन्हें संभालना भी बहुत मुश्किल है, लेकिन ये हिंदुस्तान है और बच्चों को चुप कराना, बच्चों को संभालना भाभियों के ही बस का काम है। हालांकि थोड़ा मुश्किल है, लेकिन भाभियां अपने पे आ जाएं तो बच्चों के बाप चुप हो जाते हैं, बच्चों की क्या हैसियत है। मैं पढ़ता हूँ, बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप, कैसी हवा बनाई जा रही है साहब। अच्छा सही बात है, भाभियों ने लग रहा है आपके साथ भी जुल्म कर रखा है साहब। ये पीड़ित लोग हैं माशाल्लाह, पत्नी पीड़ित लोग हैं, मेरी पूरी सहानुभूति इनके साथ है। मैं चार मिसरे पढ़ता हूँ, किस तरह हवा बनाई जा रही है। 800 से ज्यादा सीटों पर चुनाव हुआ पिछले दिनों, बंगाल से लेकर के बिहार से लेकर के तमिलनाडु तक 800 से ज्यादा सीटों पर चुनाव हुआ, 600 से ज्यादा सीटों पर जमानतें जब्त हुई, लेकिन माहौल क्या बनाया गया कि नहीं साहब हवा है। तमिलनाडु में 235 में 232 सीटों पर जमानतें जब्त, उसके बाद भी हवा बनाई जा रही कि नहीं साहब की लहर जो है वो खत्म नहीं हुई है। मैं चार मिसरे पढ़ता हूं, कि तेरा वहम है बाजी मार गया है तू, कच्चे घड़े पर दरिया पार गया है तू, कच्चे घड़े पर दरिया पार गया है तू, असम की जीत पे इतना उछलने वाले सुन, असम की जीत पे इतना उछलने वाले सुन, बाकी हर सूबे में हार गया है तू, बाकी हर सूबे में हार गया है तू, बाकी हर सूबे में हार गया है तू। एक साहब गायब है साहब, मैं भी बड़ा तलाश रहा हूं उन्हें। डाइस पे शायरों को चाय पिलाई जाए, आ जाइए। के बाकी हर सूबे में हार गया है तू, के भारत माँ की आँख के तारे कहाँ गए, भारत माँ की आँख के तारे कहाँ गए। अब ये सिलसिला डाइस से बंद कर दिया जाए तो अच्छा रहेगा, प्लीज भैया पूरा होगा, क्योंकि मैं शायरों के साथ जाती नहीं करना चाह रहा था, वैसे ही देश भर में कर रहा हूँ तो यहाँ नहीं करना चाह रहा था, तो बेहतर होगा कि अब ये सिलसिला बंद कर दिया जाए। मैं पढ़ता हूँ साहब, के भारत माँ की आँख के तारे कहाँ गए, मेरा कलेजा है तो बोल रहा है साहब, के भारत माँ की आँख के तारे कहाँ गए, आरएसएस के राज दुलारे कहाँ गए, अच्छे दिनों की तरह उन्हें भी खोज रहा कोई, बताए अन्ना हजारे कहाँ गए, कोई बताए अन्ना हजारे कहाँ गए, कोई बताए अन्ना हजारे कहाँ गए। अन्ना हजारे का जिक्र आया है तो दूसरे वाले साहब को काहे को छोड़ा जाए। एक बाबा हैं अख्तर साहब, दुनिया की हर बीमारी के इलाज का दावा करने वाला आदमी आज तक अपनी फड़कती हुई आंख नहीं सही कर पाया। मैं नाम नहीं लूंगा, नहीं आप जान जाएंगे कि मैं बाबा रामदेव जी की बात कर रहा हूं, नहीं सही कर पाए वो आज तक। पिछले दिनों उन्होंने हरियाणा के एक प्रोग्राम में, हरियाणा के पीस एम्बेसडर हैं वो, पीस एम्बेसडर, शांति के राजदूत हैं वो, और उस पीस एम्बेसडर ने एक प्रोग्राम में कहा कि कानून ने हाथ नहीं बांध रखे होते तो जय ना बोलने वालों की गर्दनें काट दी जाती। बेहद शर्मनाक बयान, लेकिन उनके पड़ोस में खड़े उनसे पीए ने उनसे कहा कि बाबा ये जो गर्दनें काट दोगे तो जो अपना तेल और शैम्पू का बिजनेस है इसका क्या होगा। बात बाबा की समझ में आ गई, बाबा चुप हो गए। लेकिन बाबा जहां से चुप हुए मेरी जिम्मेदारी वहीं से शुरू होती है कि मैं एक मासूम सा सवाल उनकी तरफ उछालूं। अगर वो सवाल आपके भी दिल का सवाल हो तो उस दिल के सवाल को पहुंचा दीजिएगा हरिद्वार तक। मैं पढ़ता हूं साहब, कि जो नफरत के सबब उठी थी वो ललकार किसकी थी,
जो नफरत के सबब उठी थी वो ललकार किसकी थी, हमारे खून को प्यासी थी वो तलवार किसकी थी, हमारे खून को प्यासी थी वो तलवार किसकी थी, जो नफरत के सबब उठी थी वो ललकार किसकी थी, हमारी गर्दने मत काटिए बस ये बता दीजिए। सवाल जायज हो तो बदलिएगा उसे तालियों में, हमारी गर्दने मत काटिए बस ये बता दीजिए, जिसे तुम पहन कर भागे थे वो सलवार किसकी थी, जिसे तुम पहन कर भागे थे वो सलवार किसकी थी, जिसे तुम पहन कर भागे थे वो सलवार किसकी थी। ये कौन ठेकेदार निकल आए हैं जो ये तय करेंगे कि क्या पहनना है, क्या बोलना है, क्या खाना है? हद तो ये है कि वही तय करेंगे कि कितना करना है। नहीं मानते हम आपकी ठेकेदारी, इनकार करते हैं हम आपकी ठेकेदारी से, क्योंकि आप बाय डिफॉल्ट हिंदुस्तानी हैं, हम बाय चॉइस हिंदुस्तानी हैं। हमने चुना है हिंदुस्तान को, हमारा दो गुना हक है हमारे अपने मुल्क पर, वो हमारा मुल्क है, हमारे पुरखों के खून से सींचा गया मुल्क है। हम इनकार करते हैं आपकी ठेकेदारी मानने से। 22 अक्टूबर को शहीद अशफाक उल्लाह खां का जन्मदिन मना के आया हूं। मैं मिसरे पढ़ता हूं कि तुम्हारे पहले बोला है तुम्हारे बाद बोलेंगे, वंदे मातरम नहीं बोलोगे तो ये कर लेंगे, जय नहीं बोलोगे तो ये कर लेंगे। अरे साहब, दिन में आप गले के ऊपर से एक बार वंदे मातरम बोलते होंगे, लेकिन हिंदुस्तान का मुसलमान 5 वक्त की नमाज पढ़ता है तो अपनी पेशानी हिंदुस्तान की उस जमीन पे रखता है, इससे बड़ा जय भारत के लिए क्या हो सकता है साहब। इमरान मिसरे पढ़ता है, पहचानिए उस एहसास को, कबूल करिए उस एहसास को कि तुम्हारे पहले बोला है तुम्हारे बाद बोलेंगे, भगत अशफाक बन करके कभी आजाद बोलेंगे, भगत अशफाक बन करके कभी आजाद बोलेंगे, तुम्हें जय बोलना है मेरे भाई शौक से बोलो। ईमान का मिसरा है साहब अगला, तुम्हें जय बोलना है मेरे भाई शौक से बोलो, मगर हम जय नहीं बोलेंगे जिंदाबाद बोलेंगे, मगर हम जय नहीं बोलेंगे जिंदाबाद बोलेंगे, तुम्हारे पहले बोला है तुम्हारे बाद बोलेंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। अब आखिरी बार गुजारिश कर रहा हूँ कि चाय का सिलसिला सच में बंद कर दीजिए तो बेहतर, क्योंकि मेरे पास रखी हुई है और मैं पी नहीं पा रहा हूँ, तो ये आना जाना देख करके थोड़ी बड़ी सी मतलब अंदर से कचोट मच रही है, तो बेहतर होगा कि थोड़ी देर ये सिलसिला बंद ही कर दें तो अच्छा रहेगा। आइए मैं 4 मिसरे और पढ़ता हूँ, फिर इंशाल्लाह एक नज़्म तक आपको पहुँचाता हूँ। बहुत अच्छा सुन रहे हैं, बहुत मोहब्बतों से सुन रहे हैं, यही जोश यही जज्बा आपका बचा रहे भाई। आप सारी पी जाओ, आप ही बैठ के, कोई बात नहीं, बांटो मत। अच्छा, कुछ लोगों को कितना भी समझाओ नहीं मानेंगे तो नहीं मानेंगे। एक साहब अपनी बीवी से हमेशा जो है उसको तंग किया करते थे, वो कुछ भी कितना भी बेहतर कर दे बेचारी, लेकिन मानते नहीं थे। अगर उसने शाम में अरहर की दाल बनाई तो बिगड़ जाते थे कि तुमने उड़द की दाल क्यों नहीं बनाई, आलू की सब्जी बना दी तो उस पर तप जाते थे कि तुमने इसमें गोभी क्यों नहीं मिलाया, आमलेट बना दिया तो कहते थे कि अंडा उबाल के क्यों नहीं लाई, उबला अंडा ला दिया तो कहते थे आमलेट क्यों नहीं बनाई। तो वो एक दिन तप गई, उसने नाश्ते में आमलेट भी बनाया, उबला अंडा भी बनाया, सब कुछ ला करके रख दिया कि चलो अब तो जान बचेगी। लेकिन साहब, जिसे बदमाशी करनी है उसे तो करनी है, जिसे मना करने पे भी चाय पिलानी है उसे तो पिलानी ही है।
उन्होंने दोनों आमलेट की तरफ भी देखा और उबले हुए अंडे की तरफ भी देखा और कहा कि तुम एक भी काम कायदे से नहीं कर सकती। उसने कहा अब क्या हुआ, मैंने ठीक तो किया। बोले क्या खास ठीक किया, जिस अंडे को उबाल के लाना था उसका आमलेट बना दिया, जिसका आमलेट बनाना था उसे उबाल के ला दिया। तो कुछ लोग नहीं मान सकते तो नहीं मान सकते, लेकिन अपन भी कोशिश करते हैं मनाने की, क्योंकि मनाने का हुनर तो अल्लाह ने दिया ही। तभी तो कोशिश करके मैंने मुशायरे के प्लेटफॉर्म से कोशिश किया कि अपनी सोई हुई कौम को मनाया जाए, जगाया जाए, और अल्हम्दुलिल्लाह लोग जाग रहे हैं। मैं खुशनसीब हूँ कि ये मेरे हिस्से में आया। मैंने शुरू में मुशायरों की दुनिया में आने के बाद ये कहा था, मेरी नज़में सुन के, मेरे अशआर सुन के बड़े बुजुर्ग कहते थे कि मरोगे तो किताबों में नहीं पढ़ाए जाओगे, मर जाओगे तो अदब में कई जगह नहीं मिलेगी। तब मैं आपकी दुआओं के भरोसे कहता था कि ये सच है कि मुझे मरने के बाद किताबों में जगह नहीं मिलेगी। यह भी सच है कि मैं शायद मरने के बाद अदब में कहीं जगह ना पाऊं, लेकिन उससे बड़ा सच ये है कि इंशाअल्लाह मैं जीते जी इंकलाब ज़रूर पैदा कर जाऊंगा। मैं उस कोशिश के साथ लगा रहा और आज अल्लाह का करम है कि अल्लाह ने आपके घरों तक पहुँचा दिया, आपके दिलों तक पहुँचा दिया। मैं चार मिसरे और पढ़ता हूँ, आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं साहब। के लहू की बात करता है, कफन की बात करता है, वो कारोबारियों के साथ धन की बात करता है। आप सर्जिकल स्ट्राइक के नशे में रहे, आप उरी अटैक के सदमे में रहे, इसी दौरान 59,000 करोड़ रुपए का रफेल विमान सौदा कब हो गया आपको पता भी नहीं चला, देश को पता भी नहीं चला, देश ने कोई सवाल भी नहीं खड़ा किया। वही रफेल फाइटर प्लेन, एक प्लेन 2013 में यूपीए की गवर्नमेंट 750 करोड़ रुपए में खरीद रही थी। तो आप तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए आपने कहा था कि हिंदुस्तान का पैसा इतना ज्यादा महंगे तौर पर हम रक्षा उपकरण खरीदने के लिए बर्बाद नहीं होने देंगे। 750 करोड़ का एक, महज तीसरे साल वही एक विमान साहब ने 1600 करोड़ रुपए का एक खरीदा है, लेकिन कहीं चूं से पू नहीं है। और क्यों खरीदा है? क्योंकि जिस कंपनी से ये खरीदा जाना था रफेल फाइटर प्लेन, अंबानी साहब उसके पार्टनर हो गए 50% के, वो पार्टनर हो गए तो सौदा एक मिनट में कब डन हो गया हमें पता भी नहीं चला। इमरान मिसरे पढ़ता है, सच्चे मिसरे हो तो दुआ दीजिएगा। के लहू की बात करता है, कफन की बात करता है, वो कारोबारियों के साथ धन की बात करता है। हमारे मुल्क ने ये शख्स कैसा चुन लिया यारो, हमारे मुल्क ने ये शख्स कैसा चुन लिया यारो, वतन की बात करनी थी तो मन की बात करता है, वतन की बात करनी थी तो मन की बात करता है। आखिरी चार मिसरे इस सिलसिले के, वो अमेरिका जाते हैं तो फेसबुक के ऑफिस में जा करके माँ को याद करके रोते हैं कैमरे के सामने, तब भी अच्छा लगता है कि चलो हिंदुस्तानी तहजीब दुनिया के सामने रख रहे हैं। वो पाकिस्तान जाते हैं तो नवाज शरीफ साहब की माँ के पैर छूते हैं, अच्छा लगता है कि वह हिंदुस्तानी तहजीब दुनिया के सामने रख रहे हैं। लेकिन कभी कभी मन करता है कि उनसे कहा जाए कि आदरणीय, हिंदुस्तान में माएँ और भी हैं। मैं महज चार मिसरे पढ़ के नई नज़्म आपको सुनाता हूँ, ये चार मिसरे मेरे दिल के एहसासों से जुड़े हुए हैं। मैं पढ़ता हूँ साहब, कि फजा में उड़ रहे जहरीले जुगनू क्यों नहीं दिखते, फजा में उड़ रहे जहरीले जुगनू क्यों नहीं दिखते, किसी भी हादसे के सारे पहलू क्यों नहीं दिखते, जो माँ को याद कर परदेश में आंसू बहाता है, जो माँ को याद कर परदेश में आंसू बहाता है, उसे
अखलाक की अम्मी के आंसू क्यों नहीं दिखते उसे, अखलाक की अम्मी के आंसू क्यों नहीं दिखते उसे, अखलाक की अम्मी के आंसू क्यों नहीं दिखते, अखलाक की अम्मी के आंसू, मिनहाज की अम्मी के आंसू। लेकिन इन दिनों पिछले 12 दिन से एक माँ बिलख रही है, उनके घर से महज 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पर जेएनयू में बैठी माँ एक रो रही है, तड़प रही है, बिलख रही है, और वह हिंदुस्तान से बस एक सवाल कर रही है कि मेरा बेटा कहाँ है, मेरा नजीब कहाँ है, मेरा लाल कहाँ है। मैं एक नज्म सुनाता हूँ, बिल्कुल ताज़ा सी नज्म है, इसे महज एक जगह पढ़ा मैंने 22 तारीख को जामिया के मुशायरे में। जेएनयू का एक लड़का, भाई पीछे थोड़ा सा संजीदगी, मैं थोड़ी सी आपकी संजीदगी चाहता हूँ इस नज्म के, एक बार ताली बजा करके आप